बीजेपी ने चुनाव अधिकारी की घोषणा कर दी है। महेंद्रनाथ पांडे को बनाया गया है यूपी का चुनाव अधिकारी और 6 सह चुनाव अधिकारियों की भी घोषणा की है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी संगठन चुनाव और उपचुनाव के लिए प्रदेश चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है, जिनमें महेंद्रनाथ पांडे को यूपी का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके अलावा 6 सह चुनाव अधिकारियों की भी घोषणा की गई है, जिसमें हरीश कुमार सिंह, अनिल चौधरी, रंजना उपाध्याय, मुकुट बिहारी वर्मा, कमलेश कुमार और साथ ही राजेंद्र तिवारी शामिल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में आवारा कुत्ते ने सड़क पर एक शख्स पर हमला कर दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। वहीं हरदोई में एक पागल कुत्ते ने 20 लोगों पर अटैक किया है। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर की सड़कों में आवारा कुत्तों की दहशत है। यहां रात के समय में एक कुत्ते ने राहगीर पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंडावर में रात के वक्त एक शख्स पैदल चलता हुआ दिखाई पड़ा, तभी उसकी तरफ एक आवारा कुत्ता भागता हुआ आया। शख्स को अंदाजा नहीं था कि कुत्ता उसके ऊपर हमला करने आ रहा है। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक कुत्ते ने उस पर झपट्टा मार दिया। वो उसके पैर में हमला करने लगा। शख्स उसे अपने से दूर भगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुत्ता ज्यादा आक्रामक हो गया। वो लगातार हमला करता रहा। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह उसने खुद को बचाया, लेकिन तब तक कुत्ता उसे कई जगहों पर काट चुका था। आवारा कुत्ता यहीं पर नहीं रुका। सामने से एक बाइक सवार उसके पास से गुजर रहा था, जिसके बाद वो उस पर हमला करने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगा। ये घटना मृदगान मोहल्ले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी दहशत में है। बिजनौर के मंडावर नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोग नगर पंचायत से जल्द कुत्तों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों ने सड़क पर निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं हरदोई में एक पागल कुत्ते ने जमकर कहर मचाया। यहां करीब 20 लोगों को काट दिया, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। बिलग्राम कस्बे में पागल कुत्ते की दहशत बनी हुई थी, जिसने इलाके में इतने लोगों को काटकर घायल कर दिया। लोग अपने घरों से निकलने में भी डर रहे थे। कुत्ते के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इलाके के लोग परेशान हो गए। बाद में कुत्ते को घेर लिया गया और पिटाई में उसकी मौत हो गई। घायल लोगों को उनके परिजन CHC लेकर पहुंचे, जहां सभी घायलों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। मेरा नाम धीरज वाजपेयी है। मैं बिलग्राम में थाने के पीछे अपने घर पे बैठा था, जीने पे, और मैं बैठा था। मेरा कुत्ता साइड से निकला, मेरे बच्चे के ऊपर कूद पड़ा। तो मैंने जब बच्चे को गिरा दिया तो मैंने उस पर लात मार दिया, तो वो मेरे ऊपर झपट के मुझे भी काट लिया। फिलहाल कुत्ते का आतंक खत्म हो गया है, लेकिन उसके हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग इलाज करवा रहे हैं। बिजनौर से न्यूज 18 के लिए शिवम शर्मा के साथ हरदोई से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट। नेपाल से लगते सीमावर्ती इलाकों में चाइनीज लहसुन तस्करी करके लाया जा रहा है, और महराजगंज में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में चाइनीज लहसुन को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लहसुन के ढेर को बुलडोजर से कुचला जा रहा है, क्योंकि ये चाइनीज लहसुन है, और अगर ये लोगों के घरों तक पहुंच गया तो ये बीमार भी कर सकता है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल सीमा पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम की टीम ने अलग अलग जगहों से पकड़े गए करीब 800 बोरी चाइनीज लहसुन को जब्त किया और बाद में बुलडोजर से कुचल कर जमीन खोद कर नष्ट कर दिया। कस्टम विभाग के एक्शन से चाइनीज लहसुन की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। निचलौल नगर पंचायत के दामोदरी पोखरी इलाके में ये कार्रवाई की गई, जिससे एक बार फिर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब लहसुन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और तस्कर दोबारा गड्ढा खोदकर नहीं चुरा पाएंगे। पिछले 1-1.5 महीने में काफी जो है निवारक कार्रवाई की गई है, जिसमें लहसुन की काफी तस्करी को रोकथाम के लिए सीजर किया गया था। उसी सीज्ड आइटम का जो है कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है म्युनिसिपल ग्राउंड पे।
पिछले दिनों भी कस्टम विभाग ने महाराजगंज में नेपाल से तस्करी लाई गई 13 टन चाइनीज लहसुन को बरामद किया था। इसके अलावा 1.5 टन चाइनीज आम के अलावा 3,800 किलोग्राम चाइनीज कीवी को भी जब्त किया गया और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। नौतवा इलाके में ये कार्रवाई हुई थी। चाइनीज लहसुन के बारे में कहा जाता है कि इसमें मौजूद फंगस से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, साथ ही चाइनीज लहसुन में कीटनाशकों का स्तर भी काफी ज्यादा है। कीड़ों से बचाने के लिए इस पर मेथाइल ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से लहसुन को खाने से पेट की बीमारियां जैसे अल्सर, इन्फेक्शन आदि हो सकते हैं। इस जहरीले लहसुन के सेवन से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। चाइनीज लहसुन देसी लहसुन के मुकाबले सस्ता होता है, इसलिए बैन होने के बावजूद ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर इसे बाजार में ले आते हैं। चीनी लहसुन को आसानी से पहचाना जा सकता है। चीनी लहसुनों का रंग हल्का सफेद और हल्का गुलाबी होता है। वहीं देसी लहसुन की बात करें तो ये आकार में छोटे होते हैं और उनका रंग सफेद या फिर क्रीम कलर का होता है। एक तरफ जहां देसी लहसुन की गंध तेज होती है तो चाइनीज लहसुन की गंध हल्की होती है। भारत में लहसुन की कीमत ज्यादा है। पिछले काफी समय से नेपाल के रास्ते चाइनीज लहसुन की बड़े पैमाने पर तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं। महाराजगंज से न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं बाबा की बूटी। ये बाबा अस्पताल में ही अपनी अलग से ओपीडी चला रहा था, वो भी डॉक्टरों के नाक के नीचे। आखिर अस्पताल में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। इन जनाब के गेटअप से आप समझ सकते हैं कोई बाबा है, लेकिन ऐसा बाबा कि सीधे मेडिकल साइंस को ही चैलेंज कर दिया। चैलेंज क्या किया, हिमाकत देखिए। अस्पताल में बैठकर डॉक्टर के नाक के नीचे अपनी अलग ही ओपीडी खोल ली कि दवाई की जरूरत नहीं, बाबा है ना। शर्ताया इलाज की, बस बाबा के पास अपना हाथ दिखाओ और उसके बाद देखो। बाबा का मंत्र और रोग छू मंत्र। देखिए बाबा कैसे इस मरीज की नब्ज टटोल रहा है। खुलेआम इलाज का ये खेल चल रहा है और पेशेंट भी बाबा पर यकीन कर रहा है। अस्पताल आए हैं डॉक्टर से इलाज करवाने, लेकिन बाबा मिल गए तो बाबा की बातों में ऐसे आए कि बाबा को ही फीस दे दी। बाबा मुफ्त में इलाज नहीं करते, बकायदा फीस लेते हैं, वो भी 100 रुपए। एक और खास बात है इनकी, अपने पेशेंट का फोटो भी खींचते हैं। शायद इस पाखंडी बाबा को दूसरा शिकार फंसाने में आसानी होगी। सुनिए बाबा ने कैसे इलाज किया। इलाज किया इनका, क्या क्या नस फंसी। कितने रुपए लिए आपकी? 100 रुपए लिए। हो जाएगा इनका इलाज? अच्छा हो जाएंगे। दादा कितने दिए पैसे? नहीं पैसे कितने दिए? 100 रुपए दिए। हॉस्पिटल में क्यों आए फिर? गोली लेने आए थे। हॉस्पिटल में क्यों आए? बाबा जी से इलाज करवाए ना। कहाँ रहते बाबा? रामेश्वर में। रामेश्वर में कब से कर रहे हैं इलाज? ये हमारे बहुत दिन से कर रहे हैं। बहुत दिन से कर रहे हैं। बाबा इलाज कर रहा है। मरीज से जब सवाल किया कि भाई दिखाने तो डॉक्टर आए थे, फिर बाबा के चक्कर में क्यों फंस गए, तो कुछ नहीं बोले। खरगोन जिला अस्पताल की ये तस्वीर है जो कई सवाल खड़े करती है।